पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं, मोदी की लूट का निजी फंड है। दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर फंड पर केस की सुनवाई के दौरान पीएमओ के बड़े अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया, पीएम केयर फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, इसे आरटीआई के तहत नहीं लाया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर यह भारत सरकार का फंड नहीं है तो इसके साथ प्रधानमंत्री शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? इसका नाम मोदी केयर फंड टाइप का कुछ होना चाहिए था। अगर यह भारत सरकार का फंड नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काट कर इस फंड में क्यों डाली गई? अगर यह प्राइवेट फंड है तो सरकारी संस्थानों ने इसे चंदा क्यों दिया? कानूनन सरकारी संस्थान किसी प्राइवेट फंड को चंदा नहीं दे सकते। अगर यह प्राइवेट फंड है तो इसकी वेबसाइट पर gov.in क्यों लिखा है? क्या कोई भी प्राइवेट फंड अपनी वेबसाइट के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है? अगर यह प्राइवेट फंड है तो इसकी मॉनिटरिंग से लेकर अदालतों के मामलों तक में पीएमओ के अधिकारी क्यों जा रहे हैं? सवाल हजारों हैं, लेकिन जवाब नदारद है। अगर नीयत साफ होती तो पहले से मौजूद प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा मांगा जाता, लेकिन वहां तो हिसाब देना पड़ता, आरटीआई के जवाब देने पड़ते, इसलिए एक अलग फंड बना लिया और अब हिसाब देने से भाग रहे हैं। वैसे मैंने आज तक किसी ईमानदार आदमी को हिसाब देने से घबराते हुए नहीं देखा।